ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक बस को 34 यात्रियों के समेत अगवा कर लिया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। 19 अगस्त 2020 को सुबह 4 बजे इस बस को अगवा किया गया। ये जो घटना को अंजाम दिया गया है, ये आगरा के पास में कुबेरपुर नाम की एक जगह है, वहां पर ये घटना हुई है और सुबह के 4 बजे घटना हुई है। बताया ये जा रहा है कि ये जो बस थी, एक प्राइवेट टूरिस्ट बस थी कल्पना ट्रेवल्स की, जो कि हरियाणा से मध्य प्रदेश जा रही थी, और ग्वालियर बेस्ड एक कंपनी है कल्पना ट्रेवल्स, उसकी ये बस थी। और हुआ ये है, जो ड्राइवर और क्लीनर ने बताया है कि सुबह 4 बजे जब बस चल रही थी, तो एक जाइलो कार आई जिसने बस को ओवरटेक किया, उसके बस को रोका गया और 4 लोग जाइलो कार में से निकल कर आए, बस के अंदर घुसे, ड्राइवर कंडक्टर को बस से नीचे उतारा, उन चारों में से एक व्यक्ति ड्राइवर सीट पर बैठा और बस चलाने लगा। बस के जो ड्राइवर और कंडक्टर थे, उनको उन्होंने अपने साथ जाइलो कार में बैठा लिया और उसके बाद दोनों गाड़ियां चलती रहती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये घटना कुबेरपुर के पास में हुई है, वहां से 11 किलोमीटर बाद इत्मादपुर नाम की एक जगह आती है, वहां पर एक ढाबा है, वहां पर बस को रोका जाता है और जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उनको भी जाइलो कार से उतार दिया जाता है, और उसके बाद बस को लेकर जो है बदमाश चारों आगे चले जाते हैं। जी हाँ, यात्रियों के समेत यात्रियों को उतारा नहीं जाता है, हैरानी की बात है, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर को इस ढाबे के ऊपर इत्मादपुर में उतार दिया जाता है। उसके बाद जो ड्राइवर कंडक्टर होते हैं, वो वहां से 38 किलोमीटर दूर मालपुरा नाम की एक जगह है, वहां पर जाके पुलिस रिपोर्ट लिखवाते हैं। और इस घटना के बाद चारों ओर एक सनसनी का माहौल बन गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्राइम की वारदात कोई नई चीज नहीं है, रेप हर दिन होते हैं, हत्याएं हर दिन होती हैं। कुछ दिन पहले ही एक व्यापारी को भी जिंदा वहां पर जला दिया गया है, लेकिन इस तरह की घटना कि एक बस को हाईजैक कर लिया जाए, ये एक बहुत ही नई बात है, क्योंकि ट्रकों के साथ तो अक्सर ये बातें होती हैं, अलग अलग राज्यों में होती हैं कि ट्रक को लूट लिया गया है, ड्राइवर को मारकर फेंक दिया गया है, लेकिन बस के साथ ये पहली बार ये घटना सामने आ रही है। और यात्रियों समेत बस को ले जाने का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। अब इसकी कई चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बस की 8 किस्तें जो है वो ड्यू थी। अगर 8 किस्तें ड्यू थी और ये फाइनेंसर का काम है, तो फिर यात्रियों को साथ ले जाने का मतलब समझ में नहीं आता। ये भी आपको बता दें कि श्रीराम फाइनेंस कंपनी के द्वारा गाड़ी फाइनेंस की गई थी, लेकिन अभी तक श्रीराम फाइनेंस से कोई संपर्क सीधा ट्रांसपोर्ट टीवी का हो नहीं पाया है, इसलिए ये कन्फर्मेशन नहीं है कि ये उनके लोग थे या नहीं। अब तक जो जानकारी सामने आ रही है मीडिया के माध्यम से, वो ये है कि गाड़ी को लास्ट टाइम झांसी में देखा गया है, झांसी के पास में ट्रेस किया गया है। कुबेरपुर से झांसी लगभग 260 किलोमीटर है, लेकिन अभी भी लुटेरों या बस तक पुलिस जो है वो पहुंच नहीं पाई है। इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है, वो SSP आगरा बबलू कुमार कर रहे हैं। उनके साथ उनके ऑफिस से हमारा संपर्क हुआ ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम का, लेकिन उन्होंने फिलहाल कोई भी जानकारी देने से मना किया है। जब तक ये लुटेरे पकड़े नहीं जाते हैं, तब तक ये बात क्लियर नहीं होगी कि ये कौन लोग हैं, ये फाइनेंसर हैं या कोई लुटेरे हैं। अगर लुटेरे भी हैं और वो बस को कहीं पर बेचना चाहते हैं, उसके पुर्जा पुर्जा करके उसको बेचना चाहते हैं, तो भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो जो यात्री हैं उनको साथ में क्यों लेकर गए हैं। ये बहुत ही सीरियस मामला है। हमें ऐसा लगता है कि SSP लेवल से भी ऊपर इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स लगाकर सबसे पहले यात्रियों को सेफ इसमें करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये नॉर्मल लुटेरे या फाइनेंसर ना होकर कोई बड़े लेवल के कोई आतंकवादी घटना ना हो, ये भी अभी तक रूल आउट नहीं किया जा रहा है। तो जैसे इस मामले में कोई अपडेट आती है तो ट्रांसपोर्ट टीवी पर हम आपको जानकारी देंगे। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर, आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन, फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।